आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर ग्रुप के जो लेटेस्ट अपडेट आई है, जिसमें सेबी ने अप्रूवल के अगेंस्ट क्लेरिफिकेशन मांगा है। जैसा आपको पता ही है, फ्यूचर ग्रुप का 9 नवंबर के फर्स्ट वीक में अप्रूवल दे दिया था बीएससी ने, पर अभी भी बीएससी में 4 ओपन ऑब्जेक्शंस ओपन है, जिसमें से एक फ्यूचर ग्रुप का भी है, अगेंस्ट अमेजन का है। तो इसके लिए सेबी ने क्लेरिफिकेशन मांगा है, क्या होगा आगे का परिणाम, और जानेंगे पूरी डिटेल के बारे में और समीक्षा करेंगे आज का क्या हुआ है रिजल्ट स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में। तो अगर सबसे पहले एफडीआई पॉलिसी को देखें, तो डेफिनेटली अमेजन का एफडीआई पॉलिसी के अगेंस्ट यहां पर कोई दाल नहीं गलने वाली है। मोनोपोली बढ़ जाएगी अगर इस तरह से ये डील नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर अमेजन को टक्कर देने के लिए रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज नहीं काम कर पाएंगी जल्दी से। ये लोग बहुत बड़ा डिस्काउंट देकर अपने तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में हम किस तरह से अपना काम कर सकते हैं। जैसा आपको बताया, 4 ओपन कंप्लेंट है जिसके अगेंस्ट अभी सेबी ने क्लेरिफिकेशन मांगा है कि कैसे करना है। बीएससी इज नॉट येट रिस्पॉन्डिंग टू दैम। जैसा आपको मालूम है, सीसीआई ने अप्रूवल भेज दिया था इसका। हम बुलिश हैं तब से इसके अप्रूवल के लिए, और इनफैक्ट हमने अप्रूवल से पहले ही हम पूरे चैनल पर अपने रिकमेंड कर रहे हैं कि प्लीज कंटिन्यू टू होल्ड योर फ्यूचर ग्रुप शेयर, अवर पोजीशन रिमेन्स एज इज, वी होल्ड पोजीशन एट 97 एवरेज, और हमारा पोर्टफोलियो का 5% फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्टेड है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब अगर फ्यूचर ग्रुप के हम स्पेसिफिक देखें, आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए समझकर सबसे पहले देखते हैं कि चार्ट पर क्या चल रहा है फ्यूचर ग्रुप के रेफरेंस में। तो अगर आज फ्यूचर रिटेल की बात की जाए, तो फ्यूचर रिटेल ने आज इनफैक्ट हाई जो बनाया 7850 का बनाया, और लो बनाया था 7520 का, और 47 लाख शेयर्स हैंड एक्सचेंज हुए हैं इसमें फ्यूचर रिटेल के। अगर हम बात करें तो एवरेज वॉल्यूम अगर देखा जाए, तो पिछले कई दिनों से अच्छा वॉल्यूम के साथ में यहां पर इसने कारोबार किया। नीचे खुला था 7530 के आसपास, और यहां से फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन देखा जा सकता है चार्ट के ब्रश में। FVL वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसने अपना प्रीवियस हाई को भी तोड़ दिया, यहां पर 1150 की जगह 1160 पर जाकर बंद हुआ है। तो इस सब के चलते हुए थोड़ा सा यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है FVL में। अगर फ्यूचर कंज्यूमर की बात की जाए, तो फ्यूचर कंज्यूमर ने भी पॉजिटिव रुख दिखाया है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर जो है जो नेगेटिव बंद हुआ है, वो है फ्यूचर रिटेल का। और हमें मालूम है जब ये दौड़ना शुरू करेगा तो सबको पीछे छोड़ देगा, जैसे यहां से इसने दिखाया था ऊपर की तरफ व्यू बनाकर। हमारे कुछ मित्रों के पास फ्यूचर मार्केट नेटवर्क भी है, जिसने भी आज पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। तो हमारी सलाह, आप अगर नई एंट्री चाहते हैं तो इसमें डेफिनेटली आप नई एंट्री ले सकते हैं, और अगर आपके पास एवरेज 5% से कम है, तो यहां पर इस लेवल पर भी आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक बटन दबाना। हमारे हिसाब से फ्यूचर रिटेल का टारगेट 170, और हमारी उम्मीद है फरवरी 28 तक ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए अगले साल। अपना समय देने के धन्यवाद। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्टिव इंटरनेट ट्रेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं 8000 रुपीज पर मंथ, और आज हमारे एक कस्टमर को 10800 रुपए का प्रॉफिट है। तो देखिए, एक ही दिन में पूरा का पूरा मंथली फीस भी रिकवर हो गई। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगल में हो। 4 वीडियो प्रस्तुत है, आप चाहे तो देख सकते हैं। जय हिंद, बाय गाइस।